सो तो हे गाइज, कैसे हो आप लोग एंड स्वागत है आपको हमारे एक और नए वीडियो में। गाइज आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि गाइज यार इस टाइम एडिटिंग सीखना कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, एंड आप लोग चाहते हैं कि हम भी एडिटिंग सीखें एंड हमारा भी एक खुद का यूट्यूब चैनल हो। पैसा ही पैसा हो गया, बट आप लोग सीख नहीं पाते हैं। फोटो जब बनाते हैं तो गाइज कहीं पे ब्लैक हो जाता है, कहीं पे व्हाइट हो जाता है और फोटो आपका खराब लगने लगता है। तो गाइज यार उस सब का सोल्यूशन आ चुका है इस वीडियो में। बस आपको क्या करना है, जो आप लोग फोटो देख सकते हैं साइड में, सेम टू सेम ऐसा एडिटिंग आप लोग को गारंटी के साथ 100 नहीं 110% गारंटी के साथ आप लोग को ऐसा एडिटिंग आज के इस वीडियो में सिखाऊंगा मैं, वो भी गारंटी के साथ। गाइज यार बस आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड कितना हार्ड बना हुआ है एंड फेस कितना गजब का स्मूथ है, और जो फेस पे रेड टोन दिया हूँ वो किस तरह दिया हूँ, किस तरह बैकग्राउंड बनाना है, किस तरह फेस वाइड करना है, किस तरह फेस एचडी स्मूथ करना है, सारा कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। बस आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड आप लोग चलिए मोबाइल को होम स्क्रीन पे और आपको बताते हैं और सिखाते हैं। तो देखिए भाई लोग, सबसे पहले आप लोग का काम होता है, जो आप लोग फोटो बनाना चाहते हैं तो उसको जो फेस होता है वो आपको पता है कि ब्लैक आया होता है। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करना होता है, फोटो को लाइट रूम में ले जाना होता है। तो लाइट रूम में हम सिंपली इस तरह शेयर पे आकर और लाइट रूम पे क्लिक कर देंगे तो फोटो हमारा डायरेक्ट लाइट रूम में चला जाएगा। और आपको पता है कि लाइट रूम से फोटो वाइट करना बहुत ज़्यादा आसान है। देख लीजिए, मैं आपको एक प्रीसेट दूंगा जिसकी सहायता से आप लोग बस एक क्लिक में, गाइज मैं जानता हूँ अगर आप लोग ऐसे वाइट कीजिएगा फोटो, देख लीजिए इधर एडजस्ट में जाकर आगे पीछे कर तब गाइज यार वाइट नहीं हो पाएगा, फोटो खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एक प्रीसेट दे दूंगा, उस प्रीसेट को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको जाना है थ्री डॉट पे, कॉपी सेटिंग में जाएंगे, सही पे क्लिक कर देंगे। देखिए सेटिंग कॉपी हो चुका है, देखिए सेटिंग कॉपी का ऑप्शन आ चुका है, यानी कॉपी हो चुका है। फिर आपको क्या करना है, अपने फोटो पे आ जाना है, जो भी फोटो आप लोग बना रहे थे, और इस पे जाना है थ्री डॉट पे, और आपको नीचे देखिए उसको आप लोग कॉपी किए थे तो इस पे आप लोग पेस्ट कीजिएगा। देखिए पेस्ट करते ही देखिए वन क्लिक एंड देखिएगा फेस कितना ज़्यादा गजब का वाइट और बैकग्राउंड और शर्ट एक कलर का हो चुका है। तो आप लोग को इतना काम करना है। और एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, फोटो का क्वालिटी कितना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो इतना काम के बाद आपको आना है कलर पे और आपको मिक्स पे जाना है। फिर आपको इस पे आकर देखिए इसको लो करके इसको और भी हाई कर सकते हैं, ब्राइटनेस और ज़्यादा हाई हो चुका है। तो आप लोग भी इतना काम कर लीजिएगा। और इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, फोटो को आपको सिंपली शेयर कर देना है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। और गाइज यार देखिए, आप लोग ऑटोडेस्क में डायरेक्ट शेयर मत कीजिएगा, आपको स्नैपसीड में पहले आना है। उसके बाद देखिए गाइज, देख लीजिए अगर मान लीजिए ये फेस हमारा होता है, देखिए जो हमारा गाल है इधर गाल, तो देखिए ये वाइट है और हाथ देखिए ब्लैक है, और इधर देखिए ये ब्लैक है और ये ब्लैक है। तो आप लोग क्या करते हैं, सीधे स्मूथ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि कहीं पे ब्लैक कहीं पे वाइट आ जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको जाना है टूल्स पे और आपको सिलेक्टिव पे आना है, और जहाँ पे भी आप लोग को ब्लैक पार्ट दिखाई दे वहाँ पे आप लोग को ब्राइटनेस को हाई कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पे कुछ लो है ब्राइटनेस, तो यहाँ पे भी हम हाई कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे लो है तो यहाँ पे हम लोग हाई, यानी कि जहाँ पे भी लो आप लोग को लगे वहाँ पे आप लोग को ब्राइटनेस को हाई कर लेना है। देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप लोग डेली करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके लिए जो नहीं होता है ईजी एकदम हो जाएगा फोटो बनाना। तो बट आपको डेली कंटिन्यू फोटो बनाना है और डेली वीडियो वॉच करना है, तो भी आप लोग के लिए आम बात होगा फोटो एडिटिंग करना। तो देख लीजिए आपको यही काम करना है, यानी कि जहाँ पे भी आप लोग को लगे कि ब्लैक है वहाँ पे आप लोग को गजब का लाइटिंग इस तरह दे देना है, जिस तरह मैं लाइटिंग दे रहा हूँ। और एक बात, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को स्मूथ करना बताऊँगा और प्रोफेशनली बैकग्राउंड भी बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले स्टेप में हमको लाइटिंग देना होता है, तो देखिए मैं लाइटिंग दे रहा हूँ। देखिए इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं और भी ज़्यादा लाइटिंग देना फेस पे तो आप लोग दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैं कुछ इतना लाइटिंग दे देता हूँ। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग डायरेक्ट शेयर कर दीजिएगा ऑटोडेस्क स्क्रेचबुक एप्लीकेशन के अंदर। तो देख लीजिए मैं किस तरह शेयर कर रहा हूँ एंड आपको भी इसी तरह कुछ शेयर कर देना है। फिर कुछ इसमें शेयर करने के बाद आपको ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाना है। फिर आपको एक ब्रश मिलेगा, इस वाले ब्रश को ले लेना है। सेटिंग देखिए कुछ इतना आप लोग को रख लेना है। फिर देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे आपको इस तरह फोटो को जूमिंग कर लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसे छोटा करके फिर स्मूथ करते हैं, तो फोटो बेकार हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, फोटो को जूमिंग करना और साइज को कम करना इस तरह वाले, ठीक है। फिर आपको देखिए ऊपर वाले पार्ट को पहले स्मूथ कीजिएगा। फिर देखिए सबसे पहला काम, ये जो हमारा गाल हो गया, आपको पता है कि जो फेस का मेन पार्ट होता है वो हमारा गाल ही होता है। तो गाल को स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, साइज को कुछ इतना कर लेंगे। फिर आपको देखिए नाक के साइड साइड में इस तरह स्मूथ करना है, देखिए इस तरह राउंड ब्रश चलाकर, देख लीजिए साइज को जितना छोटा हो सके उतना छोटा कीजिएगा। फिर मोज के ऊपर आप लोग इस तरह ब्रश चलाकर
स्मूथ कीजिएगा, देखिए मैं किस तरह मोच के साइड साइड में चला रहा हूँ। फिर आपको आह के नीचे इस तरह ब्रश को चलाना है। फिर देखिए आपको इस वाले देखिए जो पार्ट है आपको साइड वाले इस पे इस तरह ब्रश को चलाना है। देखिए देखिए मैं कितना आसान से ब्रश चला रहा हूँ एंड कितना मस्त स्मूथ हो रहा है। तो आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं और फिर देखते हैं, फिर आप लोग एडिटिंग करते हैं तो फोटो खराब बनता है। देखिए कितना मस्त स्मूथ हुआ है इस साइड का। तो उसी प्रकार आपको देखिए ये भी पार्ट को हमको स्मूथ करना है। तो फिर देखिए आपको अच्छा तरह से स्मूथ करना है ताकि फोटो आपका मस्त लगे। देख लीजिए मैं किस तरह स्मूथ कर रहा हूँ एंड आपको भी कुछ देखिए इस साइड का, देखिए गाल कितना मस्त हमारा स्मूथ हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे, जो आँख के ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग इस तरह सीधा ब्रश चलाकर स्मूथ कर देंगे। देखिए जो ये मेही वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग को स्मूथ करना नहीं होता है। फिर कुछ इस वाले पार्ट को स्मूथ करेंगे और जिस प्रकार हम लोग क्या किए थे उस जो ओ साइड का जो गाल हमारा था उसको स्मूथ किए थे, उसी प्रकार हमको इस साइड वाले भी गाल को हमको स्मूथ करना है। देखिए मैं किस तरह स्मूथ कर रहा हूँ और कितना मस्त स्मूथ हो रहा है, कहीं पे भी ब्लैक पार्ट नहीं आ रहा है। तो आपको भी यही काम करना है, मस्त तरीका से स्मूथ करना है ताकि फोटो आपका मस्त लगे। देख लीजिए कितना मस्त हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। फिर देखिए हमको कुछ इस पार्ट को स्मूथ करना है, फिर इस पार्ट को स्मूथ करना है। देखिएगा आप लोग इसको हल्के मत लीजिएगा क्योंकि स्मूथ करना ही सबसे मुश्किल काम होता है, बट आसान भी सबसे होता है, बट आपको सीखने में बहुत टाइम लगता है। तो देख लीजिए मैं कितना मस्त स्मूथ कर रहा हूँ एंड आपको भी ऐसे ही स्मूथ करना है। फिर आपको अपने नाक को स्मूथ करना है, इस तरह देखिए मैं किस तरह स्मूथ कर रहा हूँ, साइज को एकदम छोटा कर लेना है। देखिए मैं कितना छोटा साइज को किया हूँ और देखिए अच्छे तरह से स्मूथ करना है ताकि कहीं पर ब्लैक पार्ट ना आए। तो देख लीजिए आपको इस तरह स्मूथ करना है, फिर इस साइज को ज़्यादा करके कुछ इस तरह सीधा ब्रश चला लेना है। फिर देखिए इस तरह एंड कुछ इस तरह आपको स्मूथ करना है। देख लीजिए देखिए कितना मस्त स्मूथ हो रहा है। तो देखिए आपको अच्छे तरह से पूरा पार्ट को स्मूथ कर लेना है, देखिए कहीं पे बच्चा तो नहीं है। फिर आपको एक काम करना है, चलिए वीडियो को फास्ट कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। मान लीजिए फिर मेन पार्ट जो होता है वो फेस होता है, तो फेस तो स्मूथ कर लिया हो आप लोगों के सामने आप लोग को हर ट्रिक बताकर। तो चलिए तब तक गर्दन को फास्ट स्मूथ कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तब तक आप लोग देखते रहिए। सो गाइस देखिए हम फेस कितना मस्त स्मूथ हो चुका है एंड आप लोग भी इतना काम कर लीजिएगा। एंड इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, फोटो को सेव कर लेना है। देखिए मैं फोटो सेव कर लेता हूँ और फिर आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह क्या करेंगे। तो हम लोग सेव पे क्लिक कर देंगे, देखिए फोटो अभी हमारा कुछ ही सेकंड में सेव हो जाएगा। तो देखिए फोटो हमारा सेव हो चुका है, फिर हम गैलरी में चलते हैं और आपको दिखा देते हैं फोटो किस तरह हमारा बना हुआ है और अब क्या क्या करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए इधर फोटो हमारा सेव हो चुका है, देख लीजिए इधर। और इतना काम करने के बाद आपको एक काम करना है, फोटो को आप लोग को ले चलना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए हम इसको पिक्सआर्ट में शेयर कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस आप लोग को बताते हैं किस तरह क्या करना है। तो देख लीजिए पिक्सआर्ट हमारा ओपन हो रहा है, जो कि कभी कभी टाइम लगता है। फिर देखिए पिक्सआर्ट ओपन हो चुका है, फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट का, तो आपको इफेक्ट पर आना है, कलर रिप्लेस पर जाना है। फिर आपको बैकग्राउंड पे इस तरह मार्क लगाना है, फिर आपको क्या करना है इस बैकग्राउंड को कुछ इस कलर कर लेना है। आप जो कलर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट मैं इसको कुछ इतना रहने दूंगा। फिर आपको सही पे क्लिक कर देना है, फिर आपको इधर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा स्टिकर का, तो आपको इस पर आना है और आपको सर्च पर जाकर आपको सर्च करना है क्या, लाइट PNG। देखिए आपको सर्च करना है लाइट PNG और लाइट को ले लेना है आप लोग को। फिर आपको ब्लेंड पे जाकर स्क्रीन करके देखिए इसको जगह जगह पर लगा लेना है। देखिए हम कुछ इसको यहाँ पर लगाएंगे, फिर इसको डुप्लीकेट यहाँ से करेंगे, फिर इसको यहाँ पर लगाएंगे, फिर डुप्लीकेट करके यानी कि इसको जगह जगह पर दो चार जगह आप लोग को लगा लेना है ऑपेसिटी को डाउन करके। देखिएगा उसके बाद अब कितना हार्ड फोटो बनने वाला है। फिर आप लोग को सही वाले पर क्लिक करके एंड फोटो को आप लोग को क्या करना है, सेव कर लेना है ड्रॉ वाले टूल्स पर जाकर। देखिए इस पे जाएंगे, फोटो को सेव कर लेंगे। उसके बाद आपको एक प्रोसेस करना है जिसके लिए हम जाएंगे कहाँ पे, फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए हम लोग फोटो रूम को ओपन कर दिए हैं, कुछ इस तरह ओपन होता है, देख लीजिए। एंड आपका नेट अभी ऑन रहना चाहिए तभी ये वर्क करेगा। फिर आपको स्टार्ट फ्रॉम फोटो पर क्लिक कर देना है, फिर आपको देखिए फोटो आएगा तो फोटो को लेना है और आपको ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट करने लगेगा बैकग्राउंड। तो हम लोग वेट कर लेते हैं कुछ सेकंड तक।
तो देखिए ये स्कैनिंग कर रहा है, अगर नेट आपका फास्ट होगा तो जल्दी होगा, अगर नेट स्लो होगा तो टाइमिंग लगता है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वेट कर लेते हैं। तो देख लीजिए कुछ स्कैनिंग कर रहा है, पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग वेट कर लेते हैं, देख लीजिए। तो देखिए हमारा ये जो बैकग्राउंड कटआउट था वो कटआउट हो चुका है, अब ये वाइट वाइट सा आ चुका है, हम वेट कर लेते हैं और ज़्यादा। देखिए इधर इतना सारा ऑप्शन आ चुका है, फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ ब्लर का, देखिए तो ब्लर पे आपको चले जाना है। फिर देखिए आप लोग को ब्लर पे आने के बाद देखिए आपको इधर क्या करना है, इस फोटो पे क्लिक करना है एक बार और इसको नीचे कर देना है इस तरह, फिर आपको एक बार बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। देखिए कुछ आपका देखिए बैकग्राउंड पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा इस तरह हो जाएगा, फिर आपको बैक पे क्लिक कर देना है, बैक वाले ऑप्शन पे, फिर आपको बैकग्राउंड पे जाना है और नीचे ब्लर पे जाना है, और आपको क्या करना है ब्लर वाले पॉइंट को पूरा हाई करके इतना पे कर लेना है। फिर इतना काम करने के बाद सारा प्रोसेस एक तरफ से हमारा हो चुका है, आपको क्या करना है इस फोटो को आप लोग को शेयर कर देना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। अब जितना प्रोसेस होने वाला है सारा का सारा पिक्सआर्ट में होगा और किसी एप्लीकेशन में हमको नहीं जाना है, यानी कि सारा पीएनजी बैकग्राउंड जितना होगा सारा कुछ इसी में लगेगा और किस तरह लगाऊंगा सब कुछ बताऊंगा आप लोग। तो देखिए हमको पिक्सआर्ट में आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जो नीचे लिखा हुआ है फोटो रूम का आइकन हमको इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम जाएंगे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे, और आपको क्या करना है जो फोटो आप लोग बिना ब्लर वाला था आपका फोटो जो आप लोग ब्लर नहीं किए थे उस फोटो को लेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको देखिए ऐड पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह आएगा, फिर आपको इसको पूरा जूमिंग करके इस तरह बैठा देना है बराबर, फिर आपको इरेज पे जाकर इन्वेट कर देना है और आपको इस पर क्लिक कर देना है। इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, फिर आपको एक काम करना है इधर आना है इफेक्ट पे, और इफेक्ट पे आने के बाद आपको आर्टिक्स पे आना है, सबसे लास्ट में जाना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा फेटल वन का, तो आपको फेटल वन पे आ जाना है, और इस पे आने के बाद आपको इधर जाना है और देखिए एक ऑप्शन मिलेगा इधर ओवरले का, तो इसको लेना है। फिर आप लोग क्या कीजिएगा इस पे जाकर आपको जो होगा इस तरह फेस का इफेक्ट को हम लोग हटा लेंगे, फेस हो गया, हाथ हो गया वगैरह वगैरह, हमको इसको हटा लेना है। देखिए इस तरह आप लोग भी इसको इफेक्ट को हटा लीजिएगा, बस आपको शर्ट पे और बैकग्राउंड पे रहने देना इफेक्ट को। इतना काम के बाद आप लोग क्या कीजिएगा इसको भी इतना पे कर दीजिएगा, देखिए इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, देखिए इतना पे। फिर इतना काम करने के बाद आपको मैं कुछ बैकग्राउंड पीएनजी दे दूंगा, उस पीएनजी को लगाना है। तो सबसे पहले आपको मैं दो पीएनजी दूंगा, दोनों पीएनजी को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा एंड प्रीसेट को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, एक इस पीएनजी को और एक इस पीएनजी को ले लेना है और आपको ऐड वाले पे क्लिक कर देना है। फिर आपको देखिए ये जो दिल का जो ये पीएनजी है इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर जाएंगे ब्लेंड पे और आपको स्क्रीन करके इसको देखिए कुछ यहाँ पे हमको लगाना है कोने पे, ठीक है। तो कुछ हम लोग इतना पे लगाएंगे, देखिए कितना मस्त लग रहा है। और फिर एक इस पीएनजी को हम क्या करेंगे इस साइड में लगाएंगे, देखिए ब्लेंड पे जाएंगे स्क्रीन करेंगे और इसको भी कुछ हमको यहाँ पे इतना पे लगाना है, देखिए इतना पे इसको लगाएंगे। फिर आपको सेव कर लेना है, फिर आपको एक काम करना है इधर आना है कहाँ पे, इधर देखिए हमको ब्रश वाले ऑप्शन पे आपको आ जाना है और इसमें बहुत आपका नेट भी ऑन रहना चाहिए तभी ये वर्क करेगा। और आपको सबसे लास्ट में इधर जाना है तो आपको एक पंख का पीएनजी मिलेगा, देखिए इधर अभी सबसे लास्ट में जाएंगे तो एक पंख का पीएनजी मिलेगा, देखिए इस वाले पीएनजी को आपको ले लेना है, इस वाले पीएनजी को। और आपको देखिए इसको ज़्यादा करके सबसे पहले एक बार इस तरह शर्ट पे इतना पे लगाएंगे, फिर आपको ओपेसिटी को डाउन करके एंड इसको डाउन करके आपको यहाँ पे देखिए और ज़्यादा हम डाउन कर देते हैं इस तरह जगह जगह पर आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए कितना मस्त मैं लगा रहा हूँ एंड आपको भी कुछ इसी प्रकार से लगाना है तभी फोटो आपका मस्त रहेगा। इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, इतना काम के बाद आपको देखिए उसके बाद आपको आना इधर कहाँ पे रिटच वाले ऑप्शन पे, यानी कि रिटच पे इस पे चले जाना है आपको, और फिर आपको एक मिलेगा हेयर कलर का ऑप्शन, तो आपको इस पे आना है और इस पे आने के बाद आपको रेड वाले कलर को ले लेना है और फिर आपको बैक पे क्लिक करना है और सिचुएशन को अमाउंट को हाई करके आपको इस तरह हेयर पे आप लोग चाहते हैं तो मैनुअल पे जाकर आप लोग इस तरह देखिए इस तरह आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग साइज को छोटा करके एंड अपने हेयर को इस तरह देखिए आप लोग को पेंट कर देना है, देखिए इससे कुछ हमारा जो हेयर होता है वो प्रोफेशनल लगता है। तो साइज को छोटा करके एंड आप लोग इस तरह इसको पेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना पेंट करके एंड ओपेसिटी को अपने हिसाब से रख दीजिएगा, फिर आके नीचे देखिए हमको इस तरह इसको भी कर देना है, ठीक है, आप लोग इसको भी कर दीजिएगा अपने हिसाब से, देख लीजिए साइज को ज़्यादा करके। देखिए आपको आँख को लाल करना है जैसे कि हमारे जो लगेगा कि हम फेस पे शेड रिएक्शन है, देख लीजिए। तो आप लोगों को देखिए अच्छे तरह से पेंट करना है तभी आपका फोटो मस्त लगेगा। एंड इतना काम के बाद आपको क्या करना है स्विच ओमैंड को कुछ क्लो करके इसको भी देखिए इतना पे कर देना है, फिर आपको सही पे क्लिक कर देना है। एंड इतना काम के बाद आपको एक काम करना है सही पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको एक बार और आना है कहाँ पर स्टिकर वाले ऑप्शन पे, और स्टिकर पे आने के बाद आपको सर्च करना है आंसू,
देखिए आपको इस तरह आंसू सर्च करना है, और आंसू सर्च करने के बाद आपको बहुत सारा आंसू का पीएनजी मिलेगा। तो आप लोग को आंसू को पीएनजी को देखिए इस तरह हमको इस तरह देखिए अपने आँख के नीचे इस तरह लगाएंगे, फिर इस पे जाकर आपको डुप्लीकेट करके कुछ यहाँ पे लगाएंगे। कितना मस्त हमारा लग रहा है। तो इतना काम आप लोग कर दीजिएगा, एंड इतना काम के बाद आप लोग देख लीजिए सारा पीएनजी कुछ हमारा लग चुका है। एंड अब बस बचा हुआ है कौन सा काम, फेस वाइट करना है, यानी कि फेस को गोरा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। देखिए इधर से ड्रॉ पे जाएंगे और इस पे जाकर हमको फोटो को सेव कर लेना है। एंड चलिए हम चलते हैं गैलरी में, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए हमको क्या करना है, गैलरी में आने के बाद आपको शेयर पे जाना है और आपको इसको स्नैपशीट में शेयर कर देना है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सबसे हार्ड वाला स्टेप यही होने वाला है, क्योंकि इसी स्टेप में फोटो कमाल का दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले इस पे आना है, सिलेक्टिव पे जाना है, और देखिए आपको हेयर पे ये कलर आया हुआ है तो हम इस पे मार्क लगाकर एंड सिचुएशन को लुक करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए हमको फेस पे वाइट करना है, फेस को वाइट करना है तो इसके लिए आएंगे प्लस पे और इस पे मार्क लगाएंगे फेस पे। और देखिए आपको सबसे पहले इस वाले गाल पे हमको लाइट ज़्यादा करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इस साइड वाले पार्ट को भी लाइट ज़्यादा करेंगे। देखिए इस तरह आपको यही काम करना है दोनों जगह, और जहाँ पे भी आप लोगों को जितना लाइट ज़्यादा करना है उतना कर देना है। देखिए इस तरह बिफोर एंड आफ्टर, देखिए बिफोर एंड आफ्टर कुछ इसी प्रकार आपको क्या करना है, ज़्यादा फेस पर लाइटिंग वाइटिंग दे देना है ताकि हम फोटो मस्त लगे। देखिए मैं किस तरह लाइटिंग दे रहा हूँ, एंड आपको भी इसी प्रकार से लाइटिंग देकर नीचे वाले को लुक कर देना है। देखिए मैं हाथ पर भी लाइटिंग दे देता हूँ तभी फोटो हमारा मस्त लगेगा। देखिए देखिए मैं अच्छे तरह से लाइटिंग दे रहा हूँ, एंड आप लोग अपने फोटो पे अपने हिसाब से लाइटिंग दीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं जितना कर रहा हूँ पॉइंट और जितना प्रोसेस कर रहा हूँ उतना आपको करना है। देखिए आपको अपने फोटो के हिसाब से सेटिंग करना है। देखिए आप लोग को इतना सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आना है इस कर्व वाले ऑप्शन पर, और आपको इस पर जाकर देखिए रेड वाले को इधर से क्या करेंगे इतना करके एंड ऊपर कुछ इतना करेंगे। देखिए इतना पे ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दिखेगा, आप लोग इतना सेटिंग कर दे। देखिए ऊपर इतना हाई करना है और नीचे इतना हाई करना है, देख लीजिए मैं जितना किया हूँ। फिर आपको आना है ब्लू पे, और ब्लू को भी इतना हाई करने के बाद इसको कुछ देखिए इसको इतना कर देंगे। देखिए इतना पे फिर आपको आना है ग्रीन पे, और ग्रीन को कुछ हमको इसको लो करके एंड इसको भी कुछ इतना हमको लो कर देना है। देखिए आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा, ये नहीं कि मैं जितना रखा हूँ उतना ही आप रखिएगा। देखिए आपको अच्छे तरह से रखना है ताकि फोटो आपका मस्त लगेगा। देख लीजिए इतना काम कर आपको लुमिनेंस पे आना है, नीचे ऊपर हाई करके नीचे लो कर देंगे इतना पे। फिर आपको आना है इस 8GB पे, और इसको हाई करके नीचे वाले को इतना कर देंगे। फिर देखिए बिफोर एंड आफ्टर भी फेस पे कितना मस्त रेड टोन आ चुका है। फिर आपको एक स्टेप को और फॉलो करना है, जिसके लिए ब्लेंड चलेंगे फोटो को लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, और अब हम क्या करेंगे फेस पे गजब का कलर टोन और फोटो फुल एचडी में करने वाले हैं। तो हम देखिए हमको लाइट रूम को ओपन कर लेना है। तो देखिए फोटो हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो आपको फोटो को ले लेना है, और फोटो को लेने के बाद जस्ट हमको आना है कलर पे, और आपको मिक्स पे आना है, ग्रीन पे जाना है, ग्रीन को पूरा लुक करके एंड इसको भी कुछ इतना ब्लॉक कर देंगे। फिर आपको दो नंबर पे आना है और इसको सिचुएशन को लुक करके इसको हाई कर देना है। देखिए फेस पे कितना गजब का लाइटिंग आ चुका है, तो इतना काम कर दीजिएगा एंड आप लोग इसको भी हाई कर सकते हैं। देखिए कितना मस्त हो चुका है। फिर क्या करेंगे हम लोग, देखिए इतना सारा ऑप्शन आप लोग को मिलेगा, तो आपको टेम्परेचर को +4 एंड इसको क्या करना है +8 करके एंड प्लस इसको भी 10 करेंगे इसको -4 कर देंगे। फिर आपको इफेक्ट पे आना है, क्लैरिटी को हाई करके इसको लुक कर देंगे। फिर आपको इस पे आकर डिटेल पे शार्पनिंग को हाई कर देंगे। उसके बाद देखिए गाइस यार कितना मस्त एंड कितना HD फोटो बन चुका है। देखिए बिफोर एंड देखिए दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर कितना मस्त फेस पे फोकस आ चुका है। और देखिए आपको एक और सेटिंग बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं अपने फेस को येलो करना है या फिर रेड करना है, तो देखिए सबसे पहले सेटिंग आप लोग आ जाएगा दो नंबर पे। अगर आपको फेस को करना है येलो तो आपको इसको हाई कीजिएगा, देखिए येलो टोन आ रहा है। अगर आपको करना है फेस को रेड टोन, देखिए इधर लो कीजिएगा फेस रेड हो जाएगा। तो आपको इस सेटिंग को अच्छे तरह से ध्यान रखना है। देखिए उसके बाद अगर आपको करना है फेस को वाइट, तो आपको जो सिचुएशन है इसको पूरा लो कीजिएगा। देखिए फेस पूरा वाइट हो रहा है, देख लीजिए पूरा वाइट एंड ब्राइटनेस पूरा हाई। तो आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा जितना आप लोग को रखना होगा, ठीक है। मैं तो जितना रखना है उतना रखा हूँ, देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस यार आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।